हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भरमा शिमला मिर्ची, बहुत टेस्टी मिर्ची बनेगी ये। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ चाहिए हमें मिर्ची, तो ये चार मिर्ची हमने ले ली हैं। यहाँ साफ करके पहले इन्हें हमने धो लिया है। धोने के बाद इनके सारे डंठल इस तरह से काट के हमें निकाल देने हैं। ये बहुत टेस्टी फ्रेंड मिर्ची बनेंगी, आप इस तरह से बना के देखोगे ना बहुत पसंद आएंगी सभी को, बहुत टेस्टी बनती हैं ये मिर्ची। तो देखिए सारे डंठल इस तरह से हमने काट दिए हैं इनके। अब इस तरह से मिर्ची में बीच से हम कट लगाएंगे इस तरह से। तो सारी मिर्ची में इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। अब इधर हम स्टफिंग के लिए ले लेंगे आलू। तो ये उबले हुए चार आलू हमने यहाँ पे ले लिए हैं और आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मैश हमें करना है। तो आलू तो हमने फोड़ लिए हैं, अब इसमें हम डालेंगे मसाला स्वाद अनुसार। इसमें हमें नमक डाल देना है, 2 पिंच भर के इसमें हींग डाल देनी है हमें। 1 चम्मच हम लाल मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर हमें इसमें डाल देना है और इस तरह से आलूओं में सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला देना है। 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो लीजिए आलू अच्छी तरह से हमने मिला लिए हैं। अब इधर हम मिर्ची ले लेंगे, अब इसमें आलू की स्टफिंग हमें भरनी है इस तरह से। मिर्ची को थोड़ा हम फैलाएंगे और हाथों की सहायता से इस तरह से आलू अंदर से भरने हैं हमें। इसी तरह से ना दूसरी मिर्ची हमें भर लेनी है। सारी मिर्ची इसी तरह से हम भर लेंगे और इसका मसाला हम बनाएंगे। तो एक प्याज ले लेना है, साबुत धनिया ले लेना है 2 चम्मच, 3 लहसुन की कली ले लेनी है। मिक्सी के जार में डाल के इसकी प्यूरी हमें बना लेनी है। इधर कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल लगा दिया है। तेल हम गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो गया था तो 1 पिंच भर के इसमें हींग डाल देनी है हमें। उसके बाद में जो मसाला हमने बनाया था ना वो डाल देना है। गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे। 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची हमें डाल देनी है इसमें। हल्दी पाउडर हम डालेंगे, धनिया पाउडर हम नहीं डालेंगे क्योंकि साबुत धनिया इसमें हमने पीसा था। इस तरह से चला के मसाले को हमें भून लेना है। तो इधर देखिए मसाला भून गया है, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने आलू की स्टफिंग में भी नमक डाला है। मसाला भून गया था ना, तो अब इसमें मिर्ची हमें डाल देनी है। मिर्ची को मसाले में अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। हल्के हाथों से मिलाएंगे हम क्योंकि इसमें स्टफिंग भरी है वो निकल सकती है। हल्के हाथों से मिलाएंगे और जो आलू बचे थे ना वो भी इसी में हमें डाल देने हैं। थोड़े आलू बच गए थे, इन्हें भी मसाले में अच्छी तरह से मिला लेना है हमें। अगर फ्रेंड्स थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी हमें ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालना है, 1/2 गिलास के करीब पानी हम डालेंगे। और इसी तरह से मिलाने के बाद गैस को बिल्कुल मीडियम कर देना है। मीडियम गैस पर मिर्ची को हम बनने देंगे। अब इसे दबा देंगे और इसे ना बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। लीजिए मिर्ची हमारी बन चुकी है, थोड़ा इसे और चेक करके हम देखेंगे अभी। ये बहुत टेस्टी मिर्ची बनी है, आप देख सकते हो स्टफिंग अंदर से बिल्कुल नहीं निकली है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ना एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। तो लीजिए टेस्टी सी मिर्ची बनके हैं तैयार। आप भी इस तरह से अपने घर पे बनाइए। इसे ना रोटी चावल जिसके साथ सर्व करेंगे ना सभी के साथ ये बहुत टेस्टी मिर्ची लगेगी। तो कैसी लगी फ्रेंड वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।